आउटकम ऑफ दैट सो कॉल्ड विपश्यना एंड साधना शिविर, ही सेड कि अब मुझे सरदर्द नहीं होता. एंड दैट इज द सेम थिंग हैपनिंग विद ईच ऑफ अस एवरी डे. आप कहते हैं पूजा में आनंद नहीं आता, आप जानते ही नहीं थे पूजा की क्यों जाती है, तो उसमें आनंद कैसे आता? आपका आरंभ ही गलत था. आपको नहीं लगता कि आपकी यात्रा कितनी सकारात्मक हो जाती है जब आप जानते हो आपको कहाँ पहुंचना है और आपको क्यों पहुंचना है. मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, आपको बाधा और रुकावट नहीं मालूम पड़ती जब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह होता है. When you are optimistic, when you are full of spirit कि मुझे वहां पर पहुंचना ही है, और ये तभी संभव है ना जब आप जानते हो कि आपको कहां पहुंचना है, आपको क्यों पहुंचना है, आपको क्यों जाना है वहां. और जहां से मैंने आज का निवेदन आरंभ किया कि मन के एकाग्र होने में मन का सुख है. आप आज जाकर थोड़ा सा विचार करिएगा मन कब सुखी हुआ, पर आपके पास समय ही नहीं है ना, आपके पास समय ही नहीं है. और आज समय ऐसा आ गया कि साहब 3 दिन में तो आप कोर्स करिए और 4th दिन आप मास्टर बन जाइए. ध्यान सिखा रहे हैं आज लोग. व्हाट इज हैपनिंग टू यू? क्या हो रहा है कि मैं देखता हूँ 3 दिन का आपने कोर्स किया और 4th दिन आप ध्यान सिखाने लगे. ना जीवन में यम नियम आया, ना आसन प्राणायाम आया, ना आहार की शुद्धि आई, कुछ भी तो नहीं आया. और किसी ने आपको सिखा दिया और आप किसी को सिखाने लगे और ध्यान हो गया. There is no shortcut. कम से कम इस मार्ग पर तो कोई शॉर्टकट नहीं है. कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग मीरा ही है, उससे न तो कम और न उससे अधिक. उससे कम में बात बन ही नहीं सकती. और हम जैसे लोगों से तो बहुत बच के रहिएगा जो आपको बोले बस समोसा खाओ और कृपा आने लगेगी. खास तौर से बच के रहिएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं. मीर बड़ी खूबसूरत बात कहता है, बोले इन मजहबी अमीरजादों से, मीर कहता है इन मजहबी अमीरजादों से बच के रहना अमीर. हम भी गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत पाके, हम भी इन्हीं की दौलत पाके गरीब हुए हैं, इसलिए हमारे अनुभवों से तो बच के रहिएगा. और आज इस 5 दिवसीय भाव यज्ञ के आरंभ में मैं आपको कोई ऐसा झूठा प्रलोभन नहीं दूंगा कि 5 दिन की कथा सुन लो और बस तुम्हें इतना पुण्य मिलेगा कि बस तुम्हारी कहीं पर सीट पक्की हो जाएगी, तुम्हें ये मिल जाएगा या तुम्हें कहीं वो मिल जाएगा. क्योंकि जिसकी कथा कहने जा रहा हूं ना, मुझे लगता है तीनों लोकों में मैंने ऐसा कोई देव नहीं देखा, कोई ऐसा भगवान आप नहीं सुनेंगे तीनों लोकों में. आई कैन चैलेंज, चुनौती दे सकता हूं मैं. सारी उपासनाएं प्रलोभनों से ही तो भरी हैं. आपको प्रलोभन ही तो दिया जाता है, ये करिए और ये मिल जाएगा, ये दे दीजिए और ये मिल जाएगा. एक बड़ी सुंदर बात शायर कहता है, कोई जन्नत का तालिब है, किसी को जन्नत की तलब है, कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है. गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? गरज सजदा कराती है. मैंने कहा ना, आप चाहते भी हैं भगवान को, आप कहते हैं सुख नहीं मिलता, आप कहते हैं मन नहीं लगता. अरे भगवान को तो केवल चाहने में ही मन लगता है, कुछ करने की आवश्यकता कहाँ रहती है. केवल आप चाहते हो कि भगवान मिले, बस इसी में मन लगा है. आप देखिए कितना सुंदर प्रसंग मानस में है कि भगवान चलकर आते हैं, भगवान चलकर आते हैं. और केवल चलकर नहीं आते, मानस तो ऐसा कहती कि भगवान ढूंढते हुए आते हैं, भगवान शबरी को ढूंढते हुए आते हैं. वो बेचारी क्या करती है, अब दूर से देखेंगे तो वो कुछ भी तो नहीं करती, बस केवल दिन भर मार्ग झाड़ती बुहारती रहती है. योग नहीं, यज्ञ नहीं, जप नहीं, तप नहीं, व्रत नहीं, पूजा नहीं, उपवास नहीं, नियम नहीं, संयम नहीं, धर्म नहीं, कुछ भी तो नहीं. केवल केवल मार्ग बुहारती रहती है, बस झाड़ बुहार करती है. और कहीं से कुछ फल मिल जाते हैं तो धर लेती है. कभी कोई बहुत मीठा पका हुआ बेर देखती है तो बस मन करता है कि अगर प्रभु पा लेते तो कितना उनको सुख होता, बस वो धर देती है. और हर रोज नित्य प्रति शाम को वो फूल जो उसने मार्ग में बिछाए हैं वो भी मुरझा जाते हैं और वो फल भी सूख जाते हैं. फिर अगले दिन वही क्रिया करती है. उसके पास में क्या है, उसके पास में क्या है, उसके पास भगवान से मिलने का मन ही तो है, और तो कुछ करती नहीं. और कुछ तो आप और मैं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं आप और मैं, बाकी सब तो आप और मैं करते हैं, बस भगवान से मिलने का मन ही तो नहीं है.
मन ही नहीं है तो मन एकाग्र होना तो बहुत आगे की बात है, और मन के एकाग्र हुए बिना साहब व्यवहार में सुख नहीं है, भजन में कैसे सुख आएगा? व्यवहार में सुख नहीं है मन, मन यदि एकाग्र ना हो तो आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, सामने चर्चा करने वाला व्यक्ति आपसे कहेगा, ही माइट कंप्लेन कि वेर आर यू कंज्यूम्ड, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। आपकी दो व्यक्तियों की चर्चा में सुख नहीं है यदि दोनों का मन मिला हुआ ना हो तो, यदि दोनों का मन एकाग्र ना हो तो। अब बात आती है कि यदि सुख मन के एकाग्र होने में है तो मैं आपको यह कह रहा था कि मैं कोई प्रलोभन नहीं दूंगा आपको, मैं तो केवल आपसे यह कहूंगा ये 5 दिन की चर्चा केवल इसलिए है कि हो सकता है कि इस 5 दिन की चर्चा के बाद आपको कभी बैठकर ख्याल आने लगे, आप कभी सोचने लगे, आपकी वो विचार की शक्ति ठीक दिशा में आगे बढ़ने लगे और आपका विचार, आपका आपके मन में विचार होने लगे कि जान तो लूं कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं यहां, जो अब तक किया है क्या ये कर लेना पर्याप्त था। मेरे से एक बार एक महिला ने कहा, 5-7 बरस पहले की बात हो गई, बोली महाराज मुझे कहीं विवाह में जाना था और 10 दिन तैयारी करती रही, 1 दिन के लिए विवाह में जाना था कहीं, 10 दिन तक मैंने तैयारी की और जिस दिन विवाह में जाना था उस दिन सुबह सुबह मेरा मन मुझसे पूछता है कि तूने 1 दिन के लिए विवाह में जाना था और 10 दिन तैयारी में लगा दिए, जहां सदा सदा के लिए जाना है वहां के लिए भी कोई तैयारी की है क्या, वहां की भी कोई तैयारी है जहां जाना है, और यहां यहां तो घर परिवार मित्र बंधु सुहृद नाती पोते जाने कौन कौन साथ होगा, अरे वहां तो अकेले जाना है, कोई साथ नहीं होगा, नथिंग इज अलाउड, नो वन इज अलाउड, यू वुड हैव टू मूव अलोन, कभी वहां के लिए भी कोई तैयारी की है? बस केवल इतना विचार होने लगे। और मैं आपको अपने बहुत थोड़े से अनुभव से ये आपको कह सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं, इस विचार में इतनी शक्ति है, इस विचार में इतनी ऊर्जा है कि दुनिया बदले ना बदले ये मैं नहीं जानता। मुझे कभी कभी कोई कहता है कि आप प्रयास कर रहे हैं दुनिया बदलने का, मैंने कहा ना बाप, दुनिया बदलने का प्रयास नहीं है, खूबसूरत बनाने की कोशिश है, बदलने का प्रयास नहीं है मेरा। आई एम नॉट अ गॉड मैन, ना आई एम नॉट अ गॉड मैन, आई एम नॉट अ गॉड फिगर, या बट आई एम अ गॉड पार्टिकल एंड वी ऑल आर, कौन नहीं है यहां पर जिसमें उसकी चेतना ना हो, जिसमें उसकी सत्ता ना हो, कौन नहीं है यहां पर। तो क्या कह रहा था मैं, नहीं ये तो मैं कह रहा हूं, मैं कह क्या रहा था, इसलिए पूछा मैंने कि मन एकाग्र होता तो आप झट से बताते, झट से बताते मींस यू मस्ट बी प्रिसाइज कि मैं यहां पर था, मैं तो जानता हूं मैं कहां पर था, आई कांट अफोर्ड फॉरगेटिंग कि मैं कहां पर था, मैं तो जानता हूं मैं कहां पर था। आपसे पूछा इसलिए कि बस यहीं पर कहीं सुख का अभाव हो जाता है, and why this is happening, why this used to happen, 99% of people asked from so called saintly people, man nahi lagta, man nahi lagta, man nahi lagta, are us bechare ka bhi kahan lagta hai, uska bhi kahan lagta hai, hamara bhi kahan lagta hai, man lagta to kahin ek thor ek thikane par pad jate, aaj yahan kal wahan। और कभी कभी तो मैं अपने ही मन से पूछ लेता हूं कि भाई इतने लोगों को समझाने आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझते हैं ना कि आपसे ज्यादा जानता हूं मैं, तभी तो आपको समझाने आया हूं, ऊंचे स्थान पर बैठा हूं, आपको नीचे बैठाया है और बिल्कुल अपने अनुशासन में बैठाऊंगा 3 घंटे तक, इसका मतलब ये समझता हूं कि मैं आपसे अधिक जानता हूं। शायद इसीलिए संतों ने कहा होगा, शायद इसीलिए जानने वालों ने कहा होगा, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने ना,
जो जानता है वो तो मौन रहता है, वो तो अपने आनंद में रहता है। इसीलिए कहा कि दुनिया बदलने का ख्वाब नहीं है, खूबसूरत बनाने की एक कोशिश है। ये अवसर मिला है, हाथ आया है, और मैंने आरंभ किया था यहीं से कि अवसर का सदुपयोग करने वाले को फिर अवसर दिया जाता है। और कभी 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 अनुभव सबसे बड़ा गुरु हो जाता है, आपके जीवन का अनुभव ही आपका सबसे बड़ा गुरु हो जाता है। और मेरे जीवन का अनुभव ये कहता है, मेरे जीवन का अनुभव ये कहता है कि बटोरने में भी सुख है, ऐसा नहीं कि पा लेने में कुछ सुख नहीं है, बटोरने में भी सुख है लेकिन बांटने में आनंद है। और ये सत्य है कि सुख का विपरीतार्थक कुछ है यहां, जिसे दुख कहते हैं, लेकिन सारे शब्दकोश में आनंद का विपरीतार्थक शब्द नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं होता। एक आनंद ऐसा भाव है जिसमें आगे भी आनंद है, पीछे भी आनंद है, दाएं और बाएं भी आनंद है। तो बटोरने में भी सुख है पर बांटने में आनंद है। ये एक अल्प सा अनुभव मिला है जीवन से, और वही प्रयास में कर रहा हूं। और दूसरा, संत का अनुभव ये और सिखा देता है कि ये जो बांटा जा रहा है ये क्या है। खर्चे ना खुटेवा को चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो, जी में तो नाम रतन धन पा। खर्चे न खूटे और वाकु चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो मैं शबरी की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो बेचारी दिन भर प्रयास करती है, कोई बहुत अधिक साधन तो नहीं है, दूर से देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब निकट जाकर देखोगे तो उसके पास क्या है, उसके पास एक इतना सुंदर मन है। और आई थिंक द लव इज द मोस्ट पावरफुल ड्रैगिंग फोर्स, वो भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है, खींचे चले आते हैं भगवान। कहीं पर यदि प्रेम स्फुरित होने लगे आपके हृदय में, और प्रेम क्या है, जैसे मैंने कहा ना मन का सुख क्या है, एकाग्रता, प्रेम भी कहीं बिल्कुल ऐसा ही कोई भाव है। व्हेन यू आर फोकस्ड एट वन पॉइंट, एक शायद फिल्म का ही डायलॉग मुझे आप में से किसी ने सुनाया था कि जब आप बड़ी शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपको देने में लग जाती है। व्हेन यू आर फोकस्ड, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एकाग्र होते हैं तो प्रकृति आपके अनुकूल होने लगती है। जब आप दत्त चित्त होते हैं, जब मुझसे किसी ने पूछा ना, मेरा उत्तर शायद अटपटा लगे, आपको स्वीकार ना हो, पर वस्तुतः बात यही है, मुझसे जब किसी ने पूछा ना कि why the youngsters are that much attracted for the film stars, मैंने कहा मैंने एक फिल्म स्टार का भी जीवन देखा है, I can put myself into the same shoes so I can differentiate well, मैं आपको भेद करके बता सकता हूं कि उसके जीवन में एकाग्रता है अपने कार्य को लेकर, उसके जीवन में परिश्रम है अपने कार्य को लेकर, उसके जीवन में अनुशासन है अपने कार्य को लेकर। इसलिए प्रकृति अनुकूल होती है, जहां पर कहीं एकाग्रता होगी, अनुशासन होगा, गुरुजनों का अनुसरण होगा, प्रकृति आपके अनुकूल होने लगेगी, आपको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो सीधे शब्दों में मैं ये कह दूं और फिर आगे के भाव में बढ़ें कि ये किस लिए हो रहा है, ये मन को स्वस्थ करने के लिए हो रहा है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। दिस इज फॉर योर इंटरनल वेल बीइंग, आवर इम्यूनिटी, वी हैव लॉस्ट द इम्यूनिटी ऑफ आवर इनर सेल्फ। जैसे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उस जो जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ है वो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी ही कैन सर्वाइव। पर यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो बस आपको थोड़ी सी सर्दी लगी और आप एक महीने के लिए बीमार पड़े, एक महीने के लिए, ये क्या है कि आज पढ़ने को मिल जाता है कि एक बालक परीक्षा में फेल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। क्या है, एक थोड़ा सा, एक छोटा सा दुख, एक हल्की सी प्रतिकूलता आई और आप इतने निराशा में पड़ गए कि आपको जीवन का ही कोई मोल समझ में नहीं आने लगा, आपके जीवन में इतना अवसाद हो गया। अरे बाप, 20-20 25-25 साल के बालक आज डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, और कहने को आप कहते हैं कि वी आर गेटिंग स्मार्ट, टेक्नोलॉजी इज मेकिंग यू फूल, आई थिंक योर, और सबसे बड़ा फूल तो आपको बनाया आपके स्मार्टफोन ने, द आयरनी,
Your smartphone is making you fool. Yeah. क्योंकि आप सुख से कितने दूर जा रहे हैं, क्योंकि आप एकाग्र कभी हो ही नहीं पाएंगे. मैं आई यूज टू स्पाई ऑन द जेस्टर्स पीपल हु सिट इन फ्रंट ऑफ मी. वो मुझसे बात कर रहे हैं और बात करते करते दे नो नथिंग इज हैपनिंग. फिर भी क्या है, अभ्यास हो गया आपको, बुरी आदत हो गई आपको, और उस छोटी सी वस्तु ने आपको एकाग्रता से दूर कर दिया, एकाग्रता से दूर कर दिया. मैं तो अभी कल परसों वृंदावन में था, उत्सव हो रहा था, तो इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था, हजारों की संख्या में लोग थे, संत महापुरुष बैठे थे, हो रहा है कीर्तन, और दो चार महानुभाव मैं कीर्तन करा रहा हूं, एंड दे आर मेकिंग द वीडियोस. मैंने कहा जब यमदूत आए ना तो कहना पहले एक सेल्फी ले लेते हैं आपके साथ, फिर चलेंगे, छोड़ जाए पीछे वालों के लिए, टू मेक देम अवेयर कि जब जाएंगे तो ऐसे इस शान से जाएंगे आपके साथ में, ऐसा करके जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं. बात तो बड़ी छोटी सी है, पर आपको कहीं भीतर बहुत बड़ा रोग लग रहा है, आप जानते नहीं, इसका बहुत भयंकर परिणाम आएगा. आप दूर होते जा रहे हैं एकाग्रता से. यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम द फिनोमिना कंसंट्रेशन. यू वॉन्ट बी एबल टू कंसंट्रेट, टू फोकस्ड. और जब तक आप एकाग्र नहीं होते तब तक प्रकृति आपके अनुकूल नहीं होती, और जब तक प्रकृति आपके अनुकूल नहीं होती आपकी उपलब्धि और अचीवमेंट इज कन्फाइनमेंट बट नॉट एंजॉयमेंट. जब आपकी प्रकृति आपके अनुकूल नहीं है, आपने वस्तु पाई लेकिन आपका मन प्रसन्न नहीं है, आप कैसे आनंदित हो जाएंगे उस वस्तु को पाकर. तो जो कथा है जिसके लिए आप और मैं यहां पर आए हैं, ये एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है. हम स्वीकार कर लें, हम स्वीकार कर लें कि हमको ही मन में रोग हुआ है, एक बुरी आदत हो गई है संसार की, अभ्यास हो गया है संसार का. जो मैंने कहा कि विचार करने की जो शक्ति भगवान ने आपको हमें दी, उस विचार की शक्ति का हमने दुरुपयोग किया, और विचार करने की शक्ति से हम सतत संसार का विचार करने लगे, और संसार का विचार करते करते कब संसार से हो गए हमें पता भी नहीं चला. बस मन के उस रोग को दूर करने के लिए कथा शब्द का जो उद्गम हुआ है, जो कथा शब्द का मूल है, वो कथम है. कथा इज नॉट द स्टोरी. मैं पहले ही आपको बताऊं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, आई एम गोइंग टू सिंग द ग्लोरी. सो कथा इज नॉट द स्टोरी बट द ग्लोरी ऑफ द डिवाइन. बिकॉज द मोस्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ द स्टोरी इज कि सुनते सुनते कहानी तो सुनाने के लिए सुनाई जाती है. कहानी सुनकर सोते ही तो है आप. बच्चा नहीं सोता हो तो माँ कहती चलो कहानी सुनाओ, सो जाएगा. सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू द ग्लोरी एज अ स्टोरी यू विल स्लीप, सो जाएंगे आप. और मैं तो देखता हूं, देखने को मिलता है मुझे, सो जाते हैं कई बार लोग कथा में. आई डोंट माइंड, आराम मिलता होगा बेचारों को, घर में कोई सोने नहीं देता होगा तो यहां पर आकर सो जाते हैं. पर आप कहानी समझ के सुनेंगे तो कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होगा. बिकॉज देयर इज अ डिवाइन एनर्जी इन ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी फ्रेज विच इज कनेक्टेड टू द डिवाइन. जहां से मैंने आज आरंभ किया कि कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण और अमृत के बीच में कथा है, कृष्ण और अमृत के मध्य में कथा है, और जो भी भाव, जो भी शब्द, जो भी वाक्य कृष्ण से संबंधित हो जाता है वो अमृत हो ही जाता है. मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आप कहते हैं कि कृष्ण परम सुंदर हैं, एंड व्हेन यू स्टेट इट विद एन अथॉरिटी तो क्या आपने उन्हें देखा है? तो मैंने निवेदन किया कि यस आई डू स्टेट दैट ही इज समवन मोस्ट ब्यूटिफुल, ब्यूटी बियॉन्ड इमेजिनेशन, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज ब्यूटिफुल, दिस इज ट्रूथ. आई एम नॉट सेइंग दिस, उसको देखे बिना मैं कैसे कह सकता हूं. आई एम नॉट सेइंग ही इज ब्यूटिफुल बिकॉज, एंड दिस इज ट्रूथ, बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट्स वाई ही मस्ट बी ब्यूटिफुल, क्योंकि वो परम सत्य है,
इसीलिए सुंदर होगा ही, सत्य सुंदर ही होता है। आपके मेरे जीवन में जितना अभाव है, आपके मेरे जीवन में जितना भी कुछ अवांछित है, वो असत्य की स्वीकृति के ही तो कारण है। ये बहुत सूक्ष्म भाव में आपको निवेदन कर रहा हूं कि भगवान ने विचार करने की एक शक्ति दी और आपने हमेशा उससे संसार का विचार किया। गीता में भगवान ने कितने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि अर्जुन मैं भी मानता हूं तेरी बात। अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण आप बात तो करते हैं ज्ञान की, कर्म की, भक्ति की, लेकिन मन इतना चंचल है, मन तो एक क्षण के लिए भी एकाग्र नहीं होता और आप सदा के लिए मन को एकाग्र करने की बात करते हैं, ये तो लगभग लगभग असंभव है। तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। और मुझे आश्चर्य होता है कि मन की चंचलता को तो कृष्ण भी स्वीकार करते हैं कि इतना चंचल है कि भगवान ने कहा असंशय महाबाहो कि अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट कि मन से चंचल कुछ भी नहीं। मनो दुर्निग्रहम चलम, पर भगवान ने दो युक्तियां बताई, टू प्रैक्टिसेस, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य ये दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनको धीरे धीरे साध कर ये संभव हो सकता है, अर्थात आप भी सुखी हो सकते हैं, मन एकाग्र हो सकता है, माने हम सुखी हो सकते हैं। सुख और एकाग्रता एक ही बात, और वो अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि जैसे होता है ना कांटे से कांटा निकाला जाता है, तो हमको संसार के विचार का अभ्यास पड़ा है, तो किसी प्रकार से ये अभ्यास छूटे और भगवान का विचार होने लगे, भगवदीय विचार होने लगे, आपकी जो चेतना है, आपकी जो जो लाइफ एनर्जी सहज में भगवान की ओर जाने लगे, सहज में भगवान के निकट जाने लगे, तो इसके लिए ये अभ्यास है जो आप और मैं करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कथा का कोई और उद्देश्य नहीं है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कथा हो रही है और पंडित जी कह रहे हैं बोले बस कथा कराओ पितरों को मुक्ति मिलेगी इससे। अरे बाप, सबसे बड़ा प्रेत तो आपके भीतर मेरे भीतर बैठा है। और मैं आपको कह रहा था ना, कथा शब्द का उद्गम हुआ है कथम से, कथम अर्थात क्यों, ये जो भी कुछ हुआ क्यों हुआ, कथा का एक आदि भौतिक अर्थ है, कथा का एक आदि दैविक अर्थ है और कथा का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। भगवान की एक एक लीला कभी विचार करिए, उसको जानने का समझने का प्रयास करिए। ये तो मान लिया कृष्ण ने ऐसा किया, लेकिन यदि कृष्ण ने ऐसा किया तो कृष्ण ने ऐसा ही क्यों किया, कोई कारण रहा होगा। और बस जैसे ही आपका वो विचार कृष्ण की ओर उन्मुख हुआ, जैसे ही आपका वो विचार भगवान की लीला में लगने लगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि जहां कृष्ण है वहां पर अमृत है, वहां पर एक अमृतत्व है जहां पर श्री कृष्ण है, वो नाम हो, वो रूप हो, वो लीला हो या फिर वो कृष्ण का धाम हो, क्योंकि जो सत्य है वो शिव भी है और जो शिव है वो सुंदर भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये जितना भी प्रयास रहेगा इन 5 दिनों में, ये केवल अपने मन की चिकित्सा करने का रहेगा। मेरा केवल एक प्रयास होगा कि आपके और मेरे विचार की जो शक्ति है, एंड दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये जो संसार का विचार करते करते हम संसार के ही हो गए। आपने कभी एक हॉरर फिल्म देखी हो, देखी होगी, तो कुछ लोगों को हॉरर फिल्म देखने के बाद डर लगता है, क्यों, क्योंकि विचार में भय अपना स्थान बना लेता। आप जानते हैं कि इट वॉज नथिंग बट अ मेलोड्रामा, पर उस देखने से क्या हुआ, जो आपका एक मानसिक संसर्ग हुआ, जो एक आपका मानसिक संबंध हुआ उस दृश्य से, उस ध्वनि से, उस पात्र से, उसके कारण कुछ देर के लिए आपके मन में भय आने लगा। और कुछ लोगों को तो बहुत लंबा हैंगओवर होता है, बड़ी देर तक भय लगता है, कुछ दिन तक भय लगता है, जबकि आप जानते थे कि वो कल्पना है, आप जानते थे वो असत्य है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पड़ता है ना। यू स्टार्ट क्राइंग व्हेन समथिंग इमोशनल इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, यू आर हैप्पी व्हेन समवन इज परफॉर्मिंग द कॉमेडी। आप तो जानते हैं कि ये झूठ है,
फिर भी आप उसके उसके भाव प्रवाह के साथ आप कभी हंसने लगते हैं, आप कभी रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप आपका एक मानसिक संबंध स्थापित होता है, एक मानसिक संसर्ग होता है उस कल्पना के साथ, उस झूठ के साथ, उस नाटक के साथ भी आप कुछ देर के लिए जुड़ जाते हैं। और फिर यहां इस नाटक में तो आप और मैं जन्मों से रह रहे हैं, तो आपका मेरा एक ऐसा संसर्ग स्थापित हो गया, एक संपर्क बन गया है यहां से, कि बस सुख हुआ तो फिर सुखी हो गए और दुख हुआ तो फिर दुखी हो गए। है क्या विचार? है कुछ भी नहीं। और साधु क्या करता है? साधु के पास क्या युक्ति है? इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस टू दैट। बाबा बुल्ले शाह इज सेइंग, बुल्लिया रब दा की पौना, अरे इतना माथा लगाया और उसको पाया तो फिर ये समझ में आया कि वो पाना क्या था। रब दा की पौना, एथो पुटना ते एथे लाना। वो जो मन संसार के लिए सोचता था वो मन अब प्रभु के लिए सोचने लगा। लेकिन कृष्ण और अमृत के बीच में एक शब्द है बाप, इसको कथा कहते हैं। यही एक युक्ति है। और यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी आप देखें, मेरी बात न माने, यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी आप देखें, तो मैं प्राय करके निवेदन करता हूं कि आई बिलीव इन द एनर्जी ऑफ द वर्ड, शब्द की ऊर्जा, इसको विज्ञान भी स्वीकार करता है। अभी यहां पर जब आप और मैं चर्चा के ऐसे सुंदर स्तर पर आकर पहुंचे हैं, ऑल द डिवाइसेस आर पेयर्ड नाउ, सो दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन इज हैपनिंग, दिस इंपैक्टफुल कन्वर्सेशन इज हैपनिंग हियर। अभी कोई एक व्यक्ति यहां पर आए और एक अपशब्द कह दे, किसी को भी, आपको कह दे, मुझसे कह दे, आप देखिए एक क्षण में आप और मैं हम सब असहज हो जाएंगे। एक क्षण में उस एक शब्द का परिणाम होगा, आप और मैं सब असहज हो जाएंगे। तो विचार करिए, एक मूर्ख व्यक्ति का कहा हुआ एक शब्द आपको मुझे सहजता से असहज कर सकता है, फिर ये तो भगवान का यश है, ये भगवान का गुण है, ये भगवान का नाम है। और भगवान के नाम में कहीं छिपे हैं भगवान, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी होती है। कबीर कहता है, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। और मैं तो कहता हूं कि है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। इस है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है, इस है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। बस वो जो कुछ है उसी को जानने का ये प्रयास है। आपको कहना इसलिए था ये कि प्रभु को जानने का प्रयास बाद में करेगा, क्योंकि प्रभु को जानने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। आप कौन हैं? क्यों जाना चाहते हैं भगवान के पास? क्यों प्रभु को बुलाना चाहते हैं? प्रार्थना करते करते गला सूख जाता है और भगवान तो आते नहीं, पड़ोसी जरूर आ जाता है कि भाई क्यों परेशान किया है, सोने क्यों नहीं देते, पड़ोसी जरूर आ जाता है, भगवान तो आते नहीं। क्या है, किसी को देखा आप भी लग गए। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक गांव में एक बड़ी सती साध्वी स्त्री थी, बहुत पतिव्रता थी। पति देव आए, पीने के लिए जल मांगा, वो धान कूट रही थी, और धान कूट रही थी तो जैसे ही मूसल उठाया, पति देव आए, बोला कि जल पिलाओ। अब वो पतिव्रता स्त्री है, मूसल को आज्ञा दे दी कि जब तक लौट कर नहीं आऊं ऐसे ही रहना। अब मूसल अधर में हवा में लटका है, वो गई, पतिदेव को जल पिलाया और वापस आकर धान कूटने लगी। सारे गांव में जय जयकार होने लगी। अब पड़ोसन ने देखा, ये कौन मुश्किल बात है, तो पतिदेव से कहने लगी, बोली सुनो, कल आते ही हमसे जल मांगना, मैं पिलाऊंगी कल तुम्हें जल। पतिदेव ने सोचा, ये आज कौन सी दिशा से सूर्य निकला है, और बोली सुनो, प्यार से मांगना, मैं भी प्रेम से पिलाऊंगी। पतिदेव आए, जल मांगा, सब वैसा ही स्वांग रचा था, धान कूट रही थी। अब जब मूसल को छोड़ा और जाने लगी तो सोचा कि देख लूं कि मूसल अधर में लटका भी है कि नहीं। और जैसे ही मूसल को देखने के लिए मुख उठाया, अब कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मूसल के जैसे बुलाते नहीं, तो मूसल को तो आना ही था। तो आपको किसी ने कहा इस मंदिर में चले जाइए, ये लो आप भी चले गए। आपको किसी ने कहा ये कर लीजिए, आपने ये भी करने लगा। ऐसे कौन करता है? हमारे वृंदावन के बड़े भाव सिद्ध महापुरुष हुए स्वामी श्री हितदास जी महाराज, जब वृंदावन आए
तो कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था किसके पास जाएं, किससे प्रश्न करें, किससे अपने मन की जिज्ञासा रखें। तो शिवप्रिया शरण बाबा के पास में पहुंचे, कहने लगे, महाराज मैं आया तो हूं भजन करने, लेकिन भय लगता है कि कहीं किसी गलत पथ पे आगे न बढ़ जाऊं।